हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार, आज मैं जीके का टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक से आपको चार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो तीन चार जो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे रेलवे हो या SSC हो। तो दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मजे के साथ पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको बोरिंग भी ना हो और अच्छे से आपको याद भी हो जाए। तो दोस्तों, वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है भारत की प्रमुख दर्रे। क्या है? भारत की प्रमुख दर्रे। दोस्तों, भारत के प्रमुख दर्रे की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो राज वाइज अपने को दर्रे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर की दर्रे हो गया, सिक्किम की दर्रे हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की दर्रे हो गया। इस तरह करके दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए स्टेट वाइज जो आप पढ़ेंगे, यही क्या भारत का जो प्रमुख दर्रे कहलाता है। तो आपका हेडिंग क्या हो जाएगा? भारत के प्रमुख दर्रे। अब दोस्तों, आपको राज वाइज पढ़ना पड़ेगा तो सभी राज का एक ही दिन तो आप पढ़ सकते नहीं है। यदि पढ़ेंगे भी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अपने करेंगे क्या, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो में जो है ना, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं वीडियो लाऊंगा आपके पास। तो दोस्तों, आज सबसे पहले जानते हैं जम्मू कश्मीर की दर्रे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख दर्रे, तो दोस्तों सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि दर्रे होता क्या है। पहाड़ों के बीच होकर जो रास्ता गुजरती है, जो दो देशों को मिला देती है, वही क्या कहलाती है? दर्रा कहलाती है। वही क्या कहलाती है? दर्रा कहलाती है। फिर से, दो पहाड़ों के बीच होकर जो रास्ता निकलती है, दोस्तों मान लीजिए कहीं पहाड़, जैसे जम्मू कश्मीर पहाड़ है, ठीक है, और उस होके जो रास्ता निकलती है, जाके दो देशों को मिला देती है, जैसे इंडिया और दूसरा कोई देश हो गया, तो वही क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, या किसी नोट्सबुक में या किसी यूट्यूब चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है, दर्रा का परिभाषा बताया गया है, पर्वत या पहाड़ियों के निचले भाग को क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, और इस चीज पे आप ज्यादा डिस्कस ना करें, उसमें ही बेहतर होगा। क्योंकि दोस्त, आपको जो डिफिनेशन और ना ही परिभाषा पूछा जाता है, बल्कि आपको ये पूछा जाता है कि भारत के जो प्रमुख दर्रा है वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मतलब किस राज्य में है। जैसे आपका काराकोरम दर्रा हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या जोजिला दर्रा हो गया। आपको जब तक याद नहीं रहेगा तो आप कैसे जान लेंगे कि काराकोरम दर्रा जो जम्मू कश्मीर में ही है, तो ठीक है। इसलिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीका अपने ट्रिक के द्वारा विदाउट टेंशन का पढ़ेंगे। तो आज का जो हेडिंग होगा आपका दोस्तों, हेडिंग होगा भारत के प्रमुख दर्रे। क्या हो जाएगा? भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, आपको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बस आप ध्यान रखिए। मैं ऐसे क्लास में ही आपके जो है मेरा वीडियो आप देख लीजिए, इस वीडियो से ही मैं आपको जो है ना, आप एक बार वीडियो देख लेंगे, आपको याद नहीं होगा तो फिर आप मेरे कमेंट्स में लिखना। मैं आप बस आप रिलैक्स होके पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वैसे अभी जो है ना लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप रिलैक्स होके जो है ना वीडियो देख लिया कीजिए। आपको रिविजन भी होता है, जो पहले से पढ़ रखे उसका रिविजन हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े बस इंजॉय के साथ पढ़े। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख दर्रे में सबसे आज जो पार्ट वन में पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? फर्स्ट में आज पढ़ेंगे अपने जम्मू कश्मीर की दर्रे। क्या पढ़ने दोस्तों? जम्मू कश्मीर की दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे में अलग अलग राज्य के दर्रे पढ़ने पड़ेंगे अपने को। तो दोस्तों, आज जो अपने बात करेंगे इसमें जम्मू कश्मीर के दर्रे। दर्रे क्या होता है आपको मैंने बता दिया। अब एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, थोड़ा इस चीज को जान लीजिए। दोस्तों, एग्जाम में जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए या घटना चक्र उठा के देखिए आप, तो उसमें आपको पूछा, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रे हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 या 5 जो दर्रे हैं अभी मैं बताऊंगा, तो मान लीजिए उसी में से एक आपके जो है ना क्वेश्चन पेपर में दे दिया और आपसे ये पूछ लिया कि ये बताइए, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे काराकोरम दर्रा का नाम दे दिया, ठीक है, आपके ऑप्शन में रहेगा जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप कैसे उसको टिक करेंगे कि ये जम्मू कश्मीर में है या ये सिक्किम में ही है या ये हिमालय प्रदेश में ही है। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इसका ट्रिक होता है जम्मू कश्मीर के दर्रे को याद करने के लिए, बस आसान सा ट्रिक है जिससे आप जो भूल भी नहीं पाओगे। तो ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है बाजू की पानी। इस ट्रिक
तारीख से आप जम्मू कश्मीर में जितने भी दर्रे हैं सारे दर्रे को मैं आपको याद करवा दूंगा गारंटी के साथ, सिर्फ आप देखते चलिए दोस्तों। बाजू की जो है ना क्या, बाजू की पानी, तो दोस्तों इस ट्रिक से बाजू की पानी, इस ट्रिक से आप जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे हैं सारे दर्रे को आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा आपके बास से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बास हो जाएगा आपका दोस्तों, बास है बड़जिला दर्रा, क्या हो जाएगा बड़जिला क्या हो जाएगा बड़जिला दर्रा, बहुत से क्या हो जाएगा बड़जिला दर्रा। अब क्या बचा दोस्तों यहाँ पे जू से क्या हो जाएगा आपका जो जिला दर्रा ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बचा दोस्तों, बाजू हो गया, ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, अब की बचा कौन से क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, कौन से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, अभी जो मैं बात कर रहा था काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट आप बात पा बचा यहां से, पा से क्या हो जाएगा दोस्तों, पास हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा। अब क्या बचा नी से क्या हो जाएगा दोस्तों, नीस हो जाएगा बनी हाल। देखिए दोस्तों यहाँ पे नी, आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे नी लिखा और यहाँ लिखा बनी हाल, देखिये नी यहाँ रहे नी यहाँ पे, इसको बस आपको याद करने का ट्रिक को बस इसको अपनाना है दोस्तों, इसको कैसे याद किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए जम्मू कश्मीर कितने दर्रा हो गया, जम्मू कश्मीर में पांच दर्रे हैं, कितने हैं पांच दर्रे हैं, पहला का क्या नाम है बड़जिला दर्रा, दूसरा क्या है जोजिला दर्रा, तीसरा क्या है आपका काराकोरम दर्रा, और चौथा क्या है पीर पंजाल दर्रा, नी से क्या हो जाएगा बनिहाल दर्रा। दोस्तों इस पांच दर्रा में से मान लीजिए काराकोरम दर्रा के बारे में पूछ लिया कि बताइए किस राज्य में है, आपको कैसे याद होगा, आप जब तक ट्रिक याद नहीं करेंगे तो आपको याद होना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको कम से कम छह या सात राज्य के जो दर्रे पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये प्रमुख है। तो दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की बस आप एक फनी सा ट्रिक याद रखिए, कैसा ट्रिक है, बाजू की पानी से आप क्या करेंगे जम्मू कश्मीर के पांच जो दर्रे हैं अच्छा से आप आसानी पूर्वक याद कर लेंगे। अब देखिए बाहर से क्या हो जाएगा बड़जिला दर्रा, ठीक है दोस्तों, बाह से क्या हो जाएगा बड़जिला दर्रा, जू से क्या हो जाएगा जोजिला दर्रा, की से क्या हो जाएगा काराकोरम दर्रा, पास से क्या हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा और नी से क्या हो जाएगा दोस्तों बनिहाल दर्रा। अब बोलेंगे सर आपने यहाँ बहुत से शुरू हो रहा है, आपने यहाँ पे नी लिखा है, दोस्तों देखिए बनिहाल में नी आ रहा है ना, नी अपने को याद करने का बस तरीका अपनाना है, उसमें डिस्कस नहीं करना है दोस्तों, आपने ऐसा नहीं कहना है कि सर आपने शुरू में नी लिखा वहां बो है, तो आपको बस कैसे पकड़ा जाए बस इस चीज को आप ट्रिक को पकड़िए। तो दोस्तों अब देखिए आपके एग्जाम में कौन कौन सा आया हुआ, जम्मू कश्मीर के दर्रा से कौन कौन सा आया हुआ, उसको आप रिव्यू कर लीजिए। सबसे पहले आपको जो दोस्तों ये जो है ना जोजिला काराकोरम और ये जो है ना ये भी रिव्यू है आपके, काराकोरम तो यार कम से कम दो तीन बार पूछा गया एग्जाम में, काराकोरम को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये भी रिव्यू है आपके, और पीर पंजाल, ये तीन दर्रा जैसा है जोजिला और काराकोरम पीर पंजाल दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, सबसे प्रमुख जो है भारत के दर्रा में जो है वो जम्मू कश्मीर के दर्रा है दोस्तों, इसलिए मैं सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर को ही पढ़ाया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो दोस्तों ये आपका जो है पार्ट वन है, क्या हो जाएगा आपका पार्ट वन, जम्मू कश्मीर के दर्रे पार्ट वन में पढ़ेंगे आपने पढ़े हैं, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे चाहे हिमाचल प्रदेश का या सिक्किम का, इस तरह पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के दर्रे आप आसानी से याद कर लेंगे, पांच दर्रे, बाजू की पानी, कभी भूल पाओगे आप क्या, मैंने आपसे अभी वादा किया था कि आपको मैं ऐसा बता दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे, तो बाजू की पानी से इस ट्रिक से आप जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे हैं सारे दर्रे को आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है आप मेरे कमेंट्स में लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपकी सपोर्ट मेरे को बहुत ही जरूरत है, जब आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे अच्छे
टॉपिक पे लाऊंगा और मैं आपके एग्जाम से पहले ही दोस्तों मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना आप ना भूलें, और दोस्तों मैं फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और दूसरी बात जो है ना आपके इंस्टाग्राम पे भी जो है ना वहां पे भी मैं वीडियो डालता हूँ, फेसबुक पेज पे भी मैं वीडियो डालता हूँ, वहां भी आप लाइक कर सकते हैं, वहां भी आप मेरा जो है ना वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।